दोस्तों ये जो अभी वीडियो देखे होंगे ये काफ़ी दिल दहला देने वाली वीडियो है क्योंकि एक तरफ जो इजराइल है वो भी नहीं मान रहा है हमास लगातार मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है और इस समय कंडीशन क्या है कि हमास सौ से अधिक मिसाइलें इजराइल पे दाग चुका है वहीं इजराइल जो है वो हसम अबू हरवीद जो वहाँ का कमांडर था उसको मार गिराया है या हमास का नहीं था ये, इस्लामिक जिहाद का कमांडर था ऐसा ना आप समझे कि का कोई कमांडर है इस्लामिक जिहाद का कमांडर था जिसको इसराइल ने मार गिराया है और एक पट्टी में था वहीं इसको मार गिराया है तो ये बड़ी अपडेट अब तक की कि हुसैन अबू हरबीत को इसराइल ने मार गिराया है और यहाँ देखिए इसको द इकोनॉमिक टाइम ने भी कवर किया है इसराइल के इस्लामिक जिहाद कमांडर हुसैन अबू हरवीद तो ये बड़ी अपडेट है इसराइल के लिए और काफ़ी बड़ी सफलता है क्योंकि इस युद्ध में ये जो अभी वार चल रहा है सॉरी युद्ध तो नहीं कहेंगे जो एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसमें जो है ये बड़ी कामयाबी इजराइल के लिए अब तक की यहाँ देखिए इस अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से ये जो है आई का इज़राइल डिफेंस फोर्स का ट्विटर अकाउंट है उसने अपने तो ट्विटर पर लिखा है उसने अपने तो ट्विटर पर साफ साफ लिखा और ये देखिए उसकी जो वीडियो थी और उसने अपनी वीडियो भी जारी की उसको मारा तो उसके बाद उसने यहाँ वीडियो भी जारी की और वीडियो में दिखाया साफ साफ कि कैसे उसने मारा तो यहाँ देखिए वीडियो पब्लिश किया ये देखिए आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे आप उसकी और दोस्तों अबू हरबीत के मारने के बाद अब हमास ने यह कहा है कि हम इसका बदला लेंगे मतलब साफ है कि अब कॉन्फ्लिक्ट और अधिक बढ़ने वाली है लेकिन इसराइल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है क्योंकि अबू हरबीत जो था वो इस्लामिक जिहाद का सबसे बड़ा कमांडर था लेकिन हमास ने जो बोला है कि हम इसका बदला लेंगे इसका मतलब अब और मिसाइलें दागेगा इसराइल के ऊपर तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने वाली है हम लोग को बढ़ते देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने भी मीटिंग बुलाई और उसमें कॉन्फ्रेंस किया जो पंद्रह देश हैं सभी देश तो नहीं आए लेकिन जो पांच इसके मेंबर देश हैं और और सहयोगी देश हैं जिनको नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है वो भी आए और सभी देशों ने यहाँ पर इसमें चर्चा की और इसमें शांति रखने की अपील की लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इसराइल पे क्योंकि उसको पता है कि जो 25 मेंबर थे जिसको अपने पच्चीस अकाउंट में उसने पोस्ट किया था और थैंक्स कहा था उसको पता है कि इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है और पूरा वर्ल्ड भी जानता है कि इसराइल इतना जल्दी मानने वाला नहीं इसराइल हमले करेगा लेकिन यूनाइटेड नेशन में के मीटिंग में जो भी बातें निकल के आई उसको लेकर चाइना रिग्रेट महसूस किया है उसने इसको उसको उसने इसको सही तरीके से सही नहीं माना क्योंकि जिस तरह से हमले कर रहा है इस इसराइल उससे काफ़ी गाजा पट्टी में सिविलियन मारे जा रहे हैं चाइना ने यूनाइटेड नेशन से सेंक्शन लगाने की मांग कर दी है कि आप इसराइल पर सेंक्शन लगाओ क्योंकि जिस तरह से हमले गाजा पट्टी पे कर रहा है इस इसराइल उससे काफी सिविलियन मारे जा रहे हैं और ये सही नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने इज़राइल पे सेंसन लगाने से मना कर दिया उसने कहा कि नहीं हम सेंसन इसराइल पे नहीं लगा सकते तो अब ये काफी मैटर आगे बढ़ गया है तो अब जो है स्पेशली गाजा पट्टी में काफी डिस्ट्रॉय कर चुका है इसराइल ये देखिए ये आपको पता ही होगा कि उसने क्या किया कि अल जजीरा जो कतर का एक फेमस न्यूज एजेंसी है उस हम हमले किए जिसका नाम है अल जाला जो बिल्डिंग का नाम है वो है अल जाला उसने इस पे इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया ये देखिए जो आपको इमेज दिख रही होगी अलजाला की यहाँ पे उसने क्या किया कि पहले घंटे पहले वार्निंग दिया अल जजीरा को कि आप बिल्डिंग छोड़ दो और हम इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और इसने इसमें अपने एयर स्ट्राइक और मिसाइल इसमें हमले किए और अल जजीरा को खत्म कर दिया तो अब जो आपको गाजा पट्टी वाला क्षेत्र दिख रहा है जो इतना बड़ा क्षेत्र है अब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ इसराइल ने इतनी बम्बिंग की है कि अब ये क्षेत्र में जो हमास है वो पूरी तरह से लगभग लगभग छुपने की जगह नहीं मिले क्योंकि उसके टनल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है ये देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है इसराइल से गाजा टनल डिस्ट्रॉय इन हैवी एयर स्ट्राइक पंद्रह किलोमीटर एक टनल लंबी टनल थी जिसको क्या किया कि एयर स्ट्राइक से हमले कर करके डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि जब भी इसराइल हमले करता है तो ये लोग क्या करते टनल में जाके छुप जाते थे जिससे इनको कोई नुकसान नहीं होता था लेकिन अब इसराइल ने गाजा पट्टी में घुस के एयर स्ट्राइक के थ्रू पूरे टनल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है तो अब हमास के जो संगठन है उनको वहां छिपने में दिक्कत हो रही है इस समय जो गाजा पट्टी में हमास था गाजा पट्टी में जो हमास था इसका प्रभुत्व लगभग खत्म होते जा रहा है और इजराइल ने लगभग लगभग गाजा पट्टी में हमास को खत्म कर चुका है क्योंकि जितना डिस्ट्रॉय किया गाजा पट्टी को उससे अब अधिक डिस्ट्रॉय करना काफी हमें लग रहा है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि अब जो मारे जाएंगे अधिकतर सिविलियन मारे जाएंगे ये देखो हमास अब तक पचास ये जो है ये जो फुटेज है ये आई का है इसराइल डिफेंस फोर्स का जो उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था तो इतने मिसाइलें दाग चुका इजराइल के ऊपर और अब तक जो इस कॉन्फ्लिक्ट में 10 इजरायली मारे जा चुके हैं और देखो अब जो इनका आयरन है आप सोच रहे हो इतना जो है मिसाइलें है तो कैसे इसराइल है जो इनका आयरन डूम है जिसकी इफिशियंसी नाइनटी परसेंट है और आयरन डूम क्या करता है कि हवा में ही मिसाइलों को खत्म कर देता है तो देखिए इनका आयरन डूम इनको सुरक्षित रख रह रहा है लेकिन जो गाजा पट्टी में है वहां कैजुअलिटी ज्यादा हुई है वहां जो सिविलियन मारे गए हैं वो लगभग ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं अब तक

वो जो गाजा पट्टी में है तो जो मारे वेस्ट पर मारे वहीं जो इसराइल के दसिलियंस इस दस इस भी शामिल है।, है अब जो है डर है कि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े जिससे दिक्कत हो जाए लेकिन जिस तरह से वहां के प्रधान नेता ने बयान दिया है इसको देखते हुए लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी लंबा चलेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम हमास को जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक, तक साथ नहीं बैठेंगे ये, आप, ये जो वेस्ट है, यहां क्योंकि हमास लगातार क्या कर रहा है कि कर रहा है इसराइल पे और हर क्षेत्रों में कर रहा है इसलिए जो दिक्कत इसराइल को हमास से है इधर कोई उतना दिक्कत नहीं है बट जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जेरोसलम को लेकर हुआ क्योंकि जो फिलिस्तीन है और जो इसराइल है दोनों इसको जेरूसलम को अपना कैप्टन मानते हैं और इसी को लेकर शुरू हुआ था कैजुअलिटी क्योंकि नौ मई और दस मई को जो है जेरूसलम डे मनाता है इसराइल क्योंकि नौ और दस मई को नाइनटीन से में इसने क्या किया था कि इस पर कब्जा कर लिया था और तभी जेरूसलम डे मनाता है और उसी समय इसका फिलिस्तीनियों ने विरोध कर दिया क्योंकि ये भी अपनी कैपिटल मानते हैं और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ नौ मई से और अभी तक आज अभी तक 18 मई तक ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ है और इससे कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है लेबनान में भी यहाँ हमला करना शुरू कर दिया है सीरिया से भी मारे गए थे तो लेबनान में जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला उसने भी यहाँ पे हिजबुल्ला है तो इसने भी आज जो लेटेस्ट अपडेट है आज की डेट की हिजबुल्ला भी इस पे सात मिसाइलों से अटैक किया है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती हुई दिख रही है इतना जल्दी शांत नहीं होने वाली है लेकिन दोस्तों एक तरह से अब जो है इजराइल हावी होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जब से कमांडर को मारा है यहाँ पे काफी उस उसका दबदबा बढ़ चुका है तो हम विश करेंगे कि यह कॉन्फ्लिक्ट आगे न बढ़े दोस्तों अगर आप हमारे स्टडी बुस्टो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए धन्यवाद